स्वागत है आपका मौसम खबर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 मई 29 मई और 30 मई में मौसम के हाल के बारे में, जिसमें हम लोग समस्त भारत में स्टेट बाई मौसम के हाल को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग 28 मई की। 28 मई में बारिश की संभावना जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की, तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में बारिश की संभावना बनी है। साथ ही साथ सिक्किम में कहें तो हेवी रेन की संभावना यहां पे बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ असम में हेवी रेन के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना अभी नहीं बनी हुई है। साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका की, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं बनी है, लेकिन कर्नाटका के दक्षिण भाग में हेवी रेन के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ छुटमुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग बात करें अंडमान निकोबार द्वीप में, तो अंडमान निकोबार द्वीप में हेवी रेन के साथ छुटमुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में भी छुटमुट बारिश की होने की संभावना बनी हुई है। 28 मई को वार्निंग की बात करें तो 28 मई को सबसे ज्यादा वार्निंग तापमान बढ़ने की आ रही है। राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी लू के साथ साथ धूल भरी आंधी जो चलने की संभावना बनी हुई है। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हल्की तापमान बढ़ेगी और कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के भी संकेत दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में हल्के तापमान बढ़ने के संकेत अभी दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 29 मई शुक्रवार की, तो 29 मई शुक्रवार को बात करें बारिश की, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही राजस्थान के भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के भी संकेत दिख रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी बारिश की संभावना दिख रही है। अगर हम लोग बात करें पूर्वी भारत की, तो सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। उसी तरीके से असम में हेवी रेन के संकेत दिख रहे हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र में भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। गुजरात के भी कच्छ की ओर कोई बारिश की संभावना अभी नहीं बनी हुई है। नीचे से बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु की, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु में हेवी रेन के संकेत अभी मिल रहे हैं। तापमान बढ़ने की बात करूं तो मध्य प्रदेश के निचले भाग में तापमान बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं, बाकी धूल भरी आंधी जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चलने की संभावना बनी हुई है। 30 मई में बारिश की संभावना की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना में बारिश की संभावना बनी हुई है। वही अगर हम लोग बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में लगभग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय में भी बारिश की संकेत दिख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की तरफ, तो महाराष्ट्र में बारिश के संकेत बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कर्नाटका, गोवा में हेवी रेन के संकेत दिख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें केरल, तमिलनाडु की, तो केरल में कुछ जगह हेवी रेन तथा तमिलनाडु में छुटमुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान बढ़ने के कोई विशेष संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धूल भरी आंधी चलने के संकेत दिख रहे हैं। ये रहा मौसम का हाल 28, 29, 30 तारीख का। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ताजे मौसम का हाल लेकर।